हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कोई भी नए इंजन को स्टार्ट करने से पहले जो है क्या क्या किया जाता है। ये देखिए, पहले जो है ऊपर कवर खोलने के बाद जो है इसमें लुबाइल डाल देते हैं, और लुबाइल डालने के बाद जो है इस कवर को बंद कर दिया जाता है और लेवल चेक कर लिया जाता है। इसके बाद जो है ये जो एयर फिल्टर है इसमें भी लुबाइल डाल दिया जाता है, क्योंकि ये वायर मेस टाइप का होता है। और इसके बाद इसमें लुबाइल डालने के बाद जो है ये कवर्स को जो है हम लोग बंद कर देते हैं। इसके बाद जो है डीजल टैंक में डीजल भी जो है फिलअप कर दिया जाता है, और जब डीजल फिलअप हो जाता है फिर ढक्कन को बंद करने के बाद जो है इसमें जो ब्लीडिंग होल होता है पंप के पास, उसे जो है लूज कर देते हैं। लूज करके यहाँ से एयर निकाल देते हैं। एयर निकालने के बाद ही जो है इंजन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। तो ये हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, कृपया इसको आराम से देखिए और क्या प्रोसेस होता है नए इंजन को स्टार्ट करने का, इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी जो है इसको शेयर करें।